चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बैन झेलना पड़ सकता है। हो सकता है वो आईपीएल 2023 से बाहर भी हो जाए, ऐसे में चेन्नई का नया कैप्टन हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो टीम तितर बितर होती नजर आएगी। अगर आप देखें 2023 में तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो बॉलिंग है वो उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। कुछ खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से गेंदबाजी क्रम और भी कमज़ोर हो गया है। अब ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को बैन क्यों झेलना पड़ सकता है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें। एंड इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों धोनी को बैन झेलना पड़ सकता है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो बॉलिंग है वो बहुत कमज़ोर है, और चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने पहले भी कहा है कि अगर आप अपनी बॉलिंग को नहीं सुधारते हो एक नए कैप्टन के अंडर खेलना पड़ सकता है। बिकॉज अगर ऐसा ही होता है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो बॉलर हैं वो लोग क्या होता है कि वाइड बहुत ज़्यादा फेंक देते हैं, उसके साथ में वो नो बॉल फेंक देते हैं, एंड यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को एक एक ओवर तक एक्स्ट्रा फेंकना पड़ जाता है। तो आप सोचो अगर ऐसा होता है तो चेन्नई के कैप्टन को बैन झेलना पड़ सकता है और टीम पूरी की पूरी बिखर सकती है। और ये सच भी है, अगर आपकी टीम स्लो ओवर रेट के साथ में बॉलिंग करती है और ये कंटिन्यूसली होता जाता है तो उस कैप्टन को बैन झेलना पड़ सकता है। सो अगर आप भी धोनी को लाइक करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आप चेन्नई के गेंदबाजों को आप समझा सकते हो कि भाई अपनी स्किल को सुधारो और आप अच्छे बॉलिंग करो, नहीं तो हमारे कैप्टन को बैन झेलना पड़ सकता है। और आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है, ट्विटर पे हैशटैग चला सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।